हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्क्रब टाइफस के बारे में। स्क्रब टाइफस के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन नंबर्स से याद कर सकते हैं। तो नंबर 1 से रिलेटेड बातें, जैसे कि इस बीमारी के लिए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव ड्रग डॉक्सीसाइक्लिन है और इस बीमारी के इन्फेक्शन में एक सप्ताह के अंदर IgM एंटीबॉडी अपीयर कर जाती है ब्लड में। जिस तरह से मलेरिया के लिए फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो अर्थात मच्छर जिम्मेदार है, उसी तरह से स्क्रब टाइफस बीमारी के लिए लेप्टोट्रांबिडियम नाम का कीड़ा जिम्मेदार है। फिर नंबर 2 से रिलेटेड बात है कि लेप्टोट्रांबिडियम की 2 स्पीसीज लेप्टोट्रांबिडियम अकामुसी और लेप्टोट्रांबिडियम डेलिएंसिस स्क्रब टाइफस कॉज कर सकती है। इसके अलावा इसके इन्फेक्शन में IgG एंटीबॉडी 2 सप्ताह के अंदर हमारे ब्लड में अपीयर कर जाती है। नंबर 3 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात है कि ये जिस एरिया में इन्फेक्शन करता है उसे जोग्राफिकली सुसुकामुसी ट्राइंगल कहा जाता है, और जिसमें नॉर्थ में रसिया, वेस्ट में पाकिस्तान और साउथ में ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इसके अलावा इसके इन्फेक्शन में एक क्लासिकल ट्रायड देखने को मिलता है, जिसमें कि SR फॉर्मेशन, रीजनल लिम्फ एडेनोपैथी और इसके अलावा मैक्यूलोपैपुलर रैशेस देखने को मिलते हैं। नंबर 4 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बात कि इसके इन्फेक्शन को होने के लिए 4 फैक्टर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें जूनोटिक टेट्राइड बोला जाता है। इन 4 चीज़ों में स्क्रब वेजिटेशन, स्मॉल मैमल्स, फिर क्रॉमिकुलेट या फिर लेप्टोक्रॉमिडियम माइक्स और इसके अलावा एक वेट सीजन अर्थात नमीयुक्त वातावरण का होना इम्पॉर्टेंट है। नंबर 5 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बात की ओरिएंसिया सुसुगामोसी, जो कि स्क्रब टाइफस कॉज करता है, उसकी 5 एंटीजेनिक स्पीसीज होती है, जिन्हें बैरियन, विलियम, कार्प, काटो और कावाजाकी कहा जाता है। और सबसे अंत में नंबर 6 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बात की अगर किसी को स्क्रब टाइफस का री इन्फेक्शन हुआ तो वैसे केस में उस व्यक्ति के ब्लड में IgG एंटीबॉडी 6 दिन के अंदर बनने लगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि अगर हम बस 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन नंबर्स को याद रखते हैं तो हमें स्क्रब टाइफस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कभी भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।